जो रोशन करते हैं देश का नाम, उनको शौचालयों में मिल रहा था भोजन का स्थान। शौचालय में खाना परोसने को लेकर किए सवाल पर कैसे हंसकर बेशर्मी से जवाब देते नजर आए क्रीड़ाधिकारी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के अंबेडकर स्टेडियम से जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। ये खिलाड़ी वो हैं जिनके कंधों पर देश के लिए मेडल लाने की जिम्मेदारी है। जो आज खेलेंगे तो कल ओलंपिक में मेडल जीतेंगे, कॉमनवेल्थ में देश का मान बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले ही इनके सपनों का गला कैसे घोटा जा रहा है आप खुद देख लीजिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की हैं। मेडल तो ये तब जीतेंगे जब अधिकारी कुछ करेंगे। जिनकी जिम्मेदारी है कि खिलाड़ियों का सम्मान हो, वो टॉयलेट में बिठाकर इन्हें खाना परोस रहे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं जो चीख चीख कर बता रही हैं कि कैसे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुबह के वक्त में जब इन्होंने खाना बनाया था तो हलवाई के जो चावल आ गए थे वो खराब आए थे। उसके बाद उसने उस चावल को उसको फेंकवाया गया और नया बोरा मंगवा के उसको खाने का कराया। जो और भी खिलाड़ी हैं, बताया जा रहा है कि उनका खाने की व्यवस्था है, जो स्टेडियम के बाथरूम है वहाँ पर रखकर खाना खिलाया जा रहा है, वहाँ से बच्चे उठा खा रहे हैं, नहीं वहीं बाथरूम में जा रहे हैं और वहीं खाना है। क्या जो खिलाड़ी हैं उनकी स्वास्थ्य का खिलवाड़ नहीं हो रहा है? नहीं, बाथरूम में नहीं कराया जा रहा था। असल में स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि खाने की बारिश हो रही है इसलिए स्विमिंग पूल के अंदर खाने का अरेंजमेंट किया गया है। और जो उनका खाना है, जो स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम होता है उसके अंदर उसको खाने का सामान को रखना, क्योंकि वही एक जगह बैठ रही है। यहाँ पर निर्माणाधीन पूरे स्टेडियम चल रहा है, कहीं जगह नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे जाके खाने का व्यवस्था की जाएगी। ये तस्वीरें सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम की है जहाँ अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके बाद की सफाई भी सुन लीजिए जरा। अब डीएम साहब कह रहे हैं जांच करेंगे, क्रीड़ा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। भाई देखिए, ये जो है अभी जनपद सहारनपुर में 17 और 18 तारीख को स्टेट लेवल की कबड्डी प्रतियोगिता थी, इसमें कुछ अव्यवस्था संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस क्रम में कल खेल डायरेक्टर ने जो है जिला के जो क्रीड़ा ऑफिसर हैं अनिमेश सक्सेना, इनको सस्पेंड किया है और सस्पेंड करके इनको अपने मुख्यालय से संबद्ध किया है। इसी संबंध में जो भी अव्यवस्थाएं पाई गई थी, इसमें एक जांच मैंने भी ADMFR को दिया है और वो जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर तीन दिन के भीतर जो है रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद इसमें जो है जो भी और आवश्यक कार्रवाई रहेगी और शासन को जो भी जिस तरीके से अवगत कराना है वो हम लोग शासन को भी अवगत कराएंगे। और इसमें बिल्कुल जो भी गहराई से हम लोग जांच कराएंगे, गहराई से जांच कराने के बाद चाहे वो क्षेत्रीय क्रीड़ा ऑफिसर हैं, चाहे उनके भी जो भी अधीनस्थ स्टाफ है, अगर अधीनस्थ स्टाफ की भी कोई गलती है तो उनको भी हम लोग जो है दंडित कराएंगे। इसके द्वारा आज स्टेडियम में निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ पाया गया है? कल जैसा आप लोग अवगत होंगे कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस आए थे, यहाँ पे अंबेडकर स्टेडियम में यहाँ पे एक कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। इस कबड्डी प्रतियोगिता में कुछ अव्यवस्थाओं के संबंध में कि खिलाड़ियों को जो खाने वाने का सामान दिया गया था वो शौचालय के आसपास रख करके दिया गया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी गठित करके मुझे जाँच अधिकारी बनाते हुए 3 दिन में मुझसे रिपोर्ट मांगा है, जिसके क्रम में आज मैं यहाँ पर मौके पर जांच करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरी अपनी टीम है और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी हैं जिनका बयान लिया जा रहा है, कुछ कोचेस भी हैं उनके भी बयान लिए जा रहे हैं, तथा जिन जो जगहें उस वीडियोज़ में दिख रही थी उनका आज मेरे द्वारा मुआयना किया गया है। और अब मैं यहाँ पे जो खिलाड़ी प्रतिभाग किए हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 17 टीमें आई थी, उन 17 टीमों के खिलाड़ियों और कोच का मैं नंबर एकत्रित करने का इनसे प्रयास कर रहा हूँ लेकर के, और उनके बयान और उनके फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो बताया जा रहा था जो खिलाड़ी आए थे चावल जो खिलाए थे डिपो वाले चावल, अब वो खिलाड़ियों का बयान लेंगे तो उसमें क्या निकल करके आता है, खिलाड़ियों के बयान के आधार पर जो भी खिलाड़ी बताएंगे उनके फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन शायद नजरें उसी वक्त होती तो दाल चावल बाथरूम में ना खाने पड़ते। अब देखना होगा आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए कितनी मुस्तैदी होगी।